हेलो गाइस, आपका स्वागत है ए के टी एक्सप्लेन चैनल पे। आज हम बात करेंगे सुपर नेचुरल सीजन 1 एपिसोड नंबर 10। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। ऐसी वीडियोस चैनल पे मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमें जगह देखते हैं रॉकफोर्स और इमुलिस, दो पुलिस वाले होते हैं, जो एक पुलिस वाले का नाम केली होता है, एक का नाम होता है डैनली। हमें पता चलता है रॉकफोर्ड में बच्चे टूट गए हैं। फिर वो वापस अपनी गाड़ी में आते हैं तो केली की नाक में से खून निकलने लग जाता है। बाद में फिर केली अपने घर जाते हैं, फिर अपने आप को गोली मार लेते हैं, फिर अपने आप पत्नी को गोली। उसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि अपने संपर्कों को जांच कर रहा है, इसलिए जोन क्या संपर्क में क्या नहीं। उसके बाद सैम और डीन के बीच में बहसबाजी हो जाती है जोन के चक्कर में। फिर डीन के लैपटॉप में संदेश आता है कहीं जाने का। सैम और डीन रॉकफोर्ड में पहुंच जाते हैं, नियल से अपने दोस्त के मरने के बारे में पूछताछ। वो बताता है मेरा दोस्त मेरे साथ था। उसके बाद सैम और डीन उधर जाने की बातचीत करने लग जाते हैं, फिर वो उस जगह कूद कर चले जाते हैं। अस्पताल के अंदर आ जाते हैं सैम और डीन, फिर वो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जांच पड़ताल करने लग जाते हैं, फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, फिर वो बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद सैम और डीन डॉक्टर जेम्स एलीकोट के पास कुछ बातचीत करने आते हैं। फिर डॉक्टर उन दोनों को बताता है सैम और डीन को 1964 में भी एक ऐसा केस आया था, उस जगह पे दोबारा जाने की बात करते हैं सैम और डीन। उसके बाद हम अस्पताल में किसी और को आते हुए देखते हैं। उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो कि क्या कर रहा है। उसके बाद एक लड़की को देखते हैं जो कि उससे किस करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये तो भूतनी होती है। उसके बाद सैम और डीन अस्पताल में किटी की खोज करने आते हैं। उसके बाद सैम और डीन को कोई दिखता है, वो बंदूक अपनी तैयार कर लेते हैं। फिर वो कोई लड़की को देखते हैं, इस लड़की का नाम किटी होता है और ये अपने बॉयफ्रेंड गैबी को ढूंढने के लिए सैम और डीन से कहती है। उसके बाद फिर सैम को वो बंदा मिल जाता है। वो सैम को बताता है मैंने भूत के साथ किस करी। उसके बाद सैम और किटी को देखते हैं, फिर किटी एक भूत के साथ कमरे में फंस जाती है। डीन गेट खोलने की कोशिश करता है गेट पर, फिर वो भूत किटी की किस करके फिर उसे बाहर भेज देता है। उसके बाद फिर सैम और डीन बताते हैं कि डॉक्टर ने बताया था एक कमरा उधर बहुत सारी पावर है। उसके बाद फिर वो ढूंढने की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद डीन को वाली शक्ति मिल जाती है जो कि डॉक्टर ने उसे बताई थी, फिर डीन अपनी शक्ति यूज़ कर सकता है। सैम और डीन बोलते हैं कि भूत को जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं वो दोनों। उनके आगे भूत आ जाता है, फिर सैम गोली मारने की कहता है, वो मार नहीं पाता उस। डीन कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, फिर उसकी बॉडी मिल जाती है, फिर डीन उसको जला देता है, फिर वो भूत मर जाता है। जब अगली सुबह सैम और डीन सोते हैं तो सैम के फोन पे जून का फोन आता है, फिर इधर ही एपिसोड एंड हो जाता है।